हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा संत के चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाज के उन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, जिन मुद्दों को आज हम कचरे के ढेर की तरह बनाते जा रहे हैं। जिसका मन करता है वह वहाँ पे वो कचरा फेंक देता है, और उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस कचरे को उठाना पसंद करते हैं और उस कचरे में रहना भी पसंद करते हैं। समाज में हम बात करते हैं अंधविश्वास के बारे में। आज बहुत सारे ऐसे धार्मिक गुरु हो गए हैं, या फिर धार्मिक पुरोहित हो गए हैं, या फिर यूं कहें कि धार्मिक डॉक्टर हो गए हैं। और ऐसे डॉक्टर जो कि सिर्फ फूंक मारते ही आपके रोग को ठीक कर देंगे, हथौड़ी मारते ही आपके रोग को ठीक कर देंगे और आप ठीक हो जाओगे। एक ऐसे ही बाबा के बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा। महिला उस बाबा से कहती है कि महाराज, मेरे गले में कई दिनों से खुजली हो रही, ठीक नहीं हो रहा। तो बाबा क्या करता है कि दूर से ही मुंह में बड़बड़ाता है और माइक पे फूंक देता है। अब माइक पे फूंकने से क्या होता है कि उस महिला का जो खुजली होता है वो ठीक हो जाता है, और महिला कहती भी है कि हाँ, मेरी खुजली ठीक हो गई। उसी तरह से दूसरे वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो उस वीडियो में क्या होता है कि एक महिला एक ऐसे बाबा के पास जाती है जो कि हथौड़े मार मार करके रोग को ठीक कर देता है। कहीं पे भी कोई सा भी दर्द हो, हथौड़ा मारेगा, ठीक कर देगा। चाहे पेट की समस्या हो, टांग की समस्या हो, चाहे दिल की समस्या हो, वो हथौड़े मार के ठीक करता। कई बाबा ऐसे हैं कि दूर से ऐसे फूंक देते हैं, फू फू, और आपका रोग ठीक हो गया। तो ये कैसे हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि इन जैसे बाबाओं को बहुत ही जल्दी और शीघ्रता से एम्स के हॉस्पिटलों में इन्हें दाखिला दे दिया जाए, यानी कि इन्हें हायर कर लिया जाए। और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे इनको हायरिंग दे दिया जाए, और इन्हें उतना पैसा दे दिया जाए कि ये समाज में जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, इन अंधविश्वासों को वह हॉस्पिटलों में फैलाए और हॉस्पिटल में मरीज हैं उन सब मरीजों को ये ठीक कर दे। और इस तरह से भारत में कोई भी व्यक्ति मरीज नहीं रहेगा, सबके जितने छोटे मोटे रोग रहेंगे वो ठीक हो जाएगा, किसी को भी छोटा क्लिनिक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सरकार का जो काम है वह बिल्कुल आसान हो जाएगा। जंग में जो सेना आपस में लड़ती है, गुथती है, और सामान उठाने में जाने में होता क्या है कि उनके हाथ पैरों में बहुत दर्द हो जाता है, तो ऐसे बाबा को वहाँ पे रख लिया जाए या उन्हें बुला लिया जाए वन डे पेमेंट पे या टू डे पेमेंट पे, और बस ऐसे फूंक मार मार के सबका रोग ठीक कर देंगे, सबका दर्द ठीक कर देंगे, और सेना फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरह की जो पाखंडता और मूर्खता जो चल रही है समाज में, कितने हद तक सही है? कई पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वह समझते होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं जो कि गंवार से कम नहीं है, मूर्ख से कम नहीं है। सबसे ज्यादा वही लोग इन सब आवा तावाओं के फेर में पड़ते हैं और लालच के चक्कर में सोचते हैं कि बाबा का सेवा कर देने से, बाबा के यहाँ दान कर देने से हमारा बिजनेस चलने लगेगा, हमारा व्यापार सुधर जाएगा, घर गृहस्थी सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता, सबसे पहले मिडिल क्लास लोग या फिर सबसे जो निचले दर्जे के लोग हैं वह जाते और सारे काम जो है वो सही हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समाज में मूर्खता और अंधविश्वास इसलिए फैल रहा है क्योंकि समाज के जो लोग हैं, यानी कि हमारी जो जनता है, वह एजुकेटेड नहीं है, यानी कि यूं कहें कि बुद्धिजीवी नहीं है। उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी से फुर्सत नहीं है, उन्हें जो बोल दिया जाता है, सुना दिया जाता है, सुन लेते हैं और मान लेते हैं। आप ये देखा देखी करने के लिए तैयार कर ले तो वह व्यक्ति अपना सर फोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्यों तैयार हो जाता है? कि उसे लगता है कि इसने सर अगर फोड़ा है तो उसको खूब धन दौलत मिले हैं, तो वो भी भगवान के चौखट पे जा करके अपना सर पटक पटक के फोड़ लेता है, और उसे तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल की कुछ दवाइयाँ जरूर मिलती हैं। समाज में अंधविश्वास इसलिए फैलता है क्योंकि जो चालाक लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, उन्हें मालूम है कि समाज में जनता का व्यवहार कैसा है, उनका ज्ञान कैसा है, और बस इन्हीं सब चीज़ों का फायदा उठा करके वो आपका शोषण करते हैं। मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, और भी कई तरह से शोषण होता है आपका। और कई तो सेलिब्रिटीज भी मैंने देखे हैं ऐसे कि वो भी
अरबों खरबों रुपया कमाने के बाद, सारी सुविधाएं होने के बाद, नोट गिनने के बाद भी वह इन बाबाओं ताबाओं के पास जाते हैं। हो सकता है कि ये बाबा ताबा खुद उन्हें पैसा देकर के बुलाते हों, उनसे यह प्रचार करवाने के लिए, यह कहवाने के लिए, ताकि जो हीरो लोग के जो फैन फॉलोइंग है वह बाबा से जुड़ सके। और बाबा भी इसीलिए बुलाता है ताकि बाबा के पास से कुछ धन राशि मिल जाए। करना क्या है, जिस तरह से फिल्म में एक्टिंग करनी है वैसे ही बाबाओं के पास जाके एक्टिंग करनी, सेम कंडीशन दोनों का। तो समाज में मूर्खता जब तक फैलती रहेगी और अंधविश्वास जब तक फैलता रहेगा जब तक कि सामान्य जनता जागरूक नहीं होगी। जिस दिन सामान्य जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन इन पाखंडी लोगों का जो है वह जो भर लेते हैं खजाना, वह खजाने का जो मटका होता है वह टूट जाएगा और जनता का पैसा जनता के पास ही रहेगा और एक समृद्ध जनता रहेगी, सुखी जनता रहेगी और अपने जीवन को बेहतर तरीके से चला पाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के। जब तक इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए आपको तो आप कमेंट्स करके आप अपनी राय दे सकते हैं।